हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था पहले, काफ़ी टाइम पहले, हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि किस तरीके से हम टर्बाइंस के थ्रू जितना भी हमारे रिजर्वर में वाटर स्टोर है या फिर हमारे जो ओशंस वगैरह में जो एम्पल अमाउंट में वाटर है उसके थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मैंने उसका पूरा मैकेनिज्म बताया था। उसके अंदर कुछ टर्म्स आए थे, जिसके अंदर एक आया था सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है? इस इमेज में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक टैंक टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम सर्ज टैंक कहते हैं, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर बना हुआ होता है। लेकिन इसके यूज़ क्या है और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हम हाइड्रो पावर प्लांट क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, जितने भी हमारे ओशंस वगैरह हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी अवेलेबल है, लेकिन वो ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा है, उसे हम पी नहीं सकते हैं। तो इतना सारे पानी का क्या यूज़ होगा? तो हमने क्या किया, उस पानी से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, हम करेंगे टर्बाइंस के थ्रू। टर्बाइंस क्या करेंगी, ये जो टर्बाइंस होंगी वो जितना भी वाटर है उससे हाइड्रोलिक एनर्जी जो होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है ये मैंने अपने वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, रिजर्वर का पानी जब पेनस्टॉक से होता हुआ पूरा बिल्कुल टर्बाइंस के पास पहुँचता है तो उस वाटर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, यानी कि पानी का मास भी बहुत ज़्यादा हाई है और पानी के जो फ्लो की वेलोसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए जब हमको पानी की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, अभी हमको इस टाइम पे अपना जो प्रोसेस है वो बंद करना है या फिर थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करना है, तो कभी कभी क्या कर देते हैं, पेनस्टॉक में कुछ वाल्व लगे होते हैं, ये जो वाल्व होते हैं इन्हें हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो अचानक जब ये वाल्व बंद कर दिए जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, अचानक से जो वाटर का जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर हैमर होने का खतरा होता है। वाटर हैमर होने की वजह से क्या होता है, ये जो पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक का जो ये पाइप है, इसके फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, उसके मास ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या किया, सडनली वॉल्व बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये पानी किधर की तरफ जा रहा था, ये पानी जा रहा था टर्बाइंस के पास। हम यहाँ पे टर्बाइंस में हमने मान लीजिए पेल्टन व्हील कंसीडर किया है, तो इस पेल्टन व्हील टर्बाइन के पास पानी जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ये व्हील रोटेट करते हैं इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, लेकिन अभी हमको नहीं चाहिए, हमें थोड़ी देर के लिए सप्लाई बंद करनी है। तो जब हमने ये वॉल्व बंद किया, वॉल्व बंद होने की वजह से क्या हुआ, वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा हाई था, इस हाई प्रेशर की वजह से वाटर हैमर प्रोड्यूस होता है। वाटर हैमर प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो पाइप है इसका फटने का चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इस चीज़ से, इस स्थिति से हम कैसे बाहर आ सकते हैं जिससे ये पाइप ना फटे, क्योंकि अगर ये पाइप फट जाएगा तो जितना भी पूरा मैकेनिज्म है वो सारा ख़राब हो जाएगा और ये जो प्लांट है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पेन स्टॉक के जस्ट ऊपर उन्होंने एक टैंक बना दिया, एक टैंक प्रोवाइड करवा दिया, एंड टैंक का जो इनलेट था उसे पेन स्टॉक से कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, इस टैंक को प्रोवाइड करवाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने वॉल्व बंद किया, वॉल्व बंद होने की वजह से पानी का जो प्रेशर था वो पानी प्रेशर के साथ क्या हुआ, सीधे ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया मतलब ऊपर की तरफ स्ट्राइक कर गया, जो सर्च टैंक था वहाँ की तरफ स्ट्राइक कर गया, जिसकी वजह से वाटर हैमर होने से बच गया। और वाटर हैमर होने से बचने की वजह से क्या हुआ, जो पेन स्टॉक था उसके फटने का जो खतरा था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ होता है सर्च टैंक का। तो हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, सर्च टैंक एक तरीके से वाटर बैंक का काम करता है। वाटर बैंक मतलब मान लीजिए जब हमको बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिजर्वर में उतना ज़्यादा फ्लो नहीं है पानी का, उस कंडीशन में हम सर्च टैंक में जो वाटर अवेलेबल है इसका यूज़ भी हम करते हैं, ताकि पानी का जो फ्लो हो वो बहुत ज़्यादा हो सके और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से जनरेट हो सके। तो सर्च टैंक को प्रेशर न्यूट्रलाइजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो वाटर का जो प्रेशर होता है अगेंस्ट वाटर हैमर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये जो टॉपिक था ये मैंने इस वाले वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्च टैंक क्या होता है। वाटर हैमर में आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, एंड मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको धीरे धीरे करके सारे एक एक करके आपके सामने क्लियर करूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। एंड अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो। एंड मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।